टेक्नोलॉजी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज आपको ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से। लेकिन सबसे पहले देख लेते आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। शुरुआत हमेशा की तरह गोल्ड से ही करेंगे, जहां पर ग्लोबल राजनीतिक तनाव से यहां पर सुरक्षित निवेश मांग, सेफ हेवन बाइंग वापस से गोल्ड में लौटती दिख रही है और आज हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें तो फेड की दो दिनों की बैठक शुरू होने वाली है, उस पर बाजार की नजर है, किस तरह से फेड का स्टांस रहता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी है वो मार्च बैठक में होने की संभावना जताई जा रही है। क्रूड रूस और यूक्रेन और दूसरी तरफ यूएई में जिस तरह से तनाव चल रहा है खाड़ी देशों में, उससे यहां पर फायदा हो रहा है। कल शाम हमने 2% की गिरावट देखी, लेकिन वापस से तेजी लौट आई है। नेचुरल गैस की बात करें तो रूस से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है, इससे कल यूरोप में काफी दाम बढ़ गए थे, हालांकि अब फिलहाल भाव में थोड़ी नरमी दिख रही है। वहीं कॉपर की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से उथल पुथल है, उससे यहां पर दबाव है, आज के सत्र में एक रेंज में ही कारोबार होता दिख रहा है। जिंक की बात करें तो इन्वेंट्री बढ़ने से यहां पर दबाव है। वहीं निकेल सप्लाई बढ़ने से कीमतों में गिरावट बढ़ी है और ऊपरी स्तरों पर लगातार 2-3 दिनों से मुनाफा वसूली दिख रही है। एल्युमिनियम की बात करें तो उत्पादन 0.25% घटने की संभावना है, कमी की वजह से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल, जहां सेंटीमेंट कमजोर है, उस वजह से लगातार यहां गिरावट है। आज के सत्र में भी एमसीएक्स मेंथा ऑयल 0.25% तक कमजोर है। कॉटन की बात करें तो कम उत्पादन से यहां पर कीमतों में अभी भी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है, हालांकि आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। अगर स्पाइसेस की बात करें तो हल्दी, जहां पर कल भारी गिरावट दिखी, 6% का इंट्राडे में लोअर सर्किट भी लगा और आज भी हल्की कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। जीरे में बारिश से फसलों के नुकसान की संभावना है, कल अच्छी तेजी दिखी लेकिन आज एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है। धनिया ऊपरी स्तरों पर आज यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है और 10,000 के आसपास धनिया का वायदा कारोबार कर रहा है। कैस्टर, जहां पर कम बुआई से उत्पादन कम होने की संभावना है। वहीं ग्वार, कम स्टॉक और एक्सपोर्ट मांग में लगातार तेजी से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार में आपको ट्रेड कैसे करना है इन सारे ही काउंटर्स पर। बात करने के लिए जिगर धर्मशी और जिगर त्रिवेदी दोनों हैं। धर्मशी जी, अब आप बताइए, गोल्ड में जिस तरह की तेजी दिख रही है, ये दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव है और साथ ही क्रिप्टो में भी गिरावट आई है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में गिरावट है, उसके बावजूद उस तरह की तेजी हम गोल्ड में नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस एसेट रीएलोकेशन जो हो रहा है, ऐसे में गोल्ड क्या 49,000 के ऊपर जाता है, सब तो दिख रहा है आपको? जी देखिए, बिल्कुल, कि अगर देखा जाए तो गोल्ड में काफी अच्छी से जो प्राइसेस है वो हायर लेवल्स पे होल्ड हो रहे हैं और इसका एक मेजर रीजन हमने देखा है जो ओवरऑल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आता हुआ दिखा है। कल के सेशन में देखा ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में काफी करेक्शन था तो उसका एक सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ दिखा है। बट इस हफ्ते जैसे फेड की जो मीटिंग स्टार्ट हुई है आज से, तो ओवरऑल मार्केट ट्रेडर्स की जो नजर है वो फेड की मीटिंग पर होगी, क्या आउटकम आते हैं। नो डाउट फेड की जो इस मीटिंग में रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, बट जो रेट हाइक्स का जो स्टांस है वो मार्च मंथ से स्टार्ट होगा और कितनी एग्रेसिवली रेट हाइक्स आगे जाके होंगे, इसके जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मार्केट्स का ओवरऑल फोकस रहेगा। तो हमने प्योरली देखा है कि बाकी कमोडिटीज में जैसे गिरावट आई है, बट गोल्ड में पूरी तरह से प्राइसेस ने काफी अच्छे से होल्ड किया और सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के जो प्राइसेस है आगे जाते हुए ये जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका लेते रहना चाहिए, एक सपोर्टिव माहौल रहेगा, बट यस अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करके चले, 48,550-600 के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पर खरीदारी करिए, 48,400 का स्टॉप लगाइए और 48,850 के टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए रख सकते हैं। बट ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी की वजह से मार्केट की जो अपसाइड है वो काफी लिमिटेड रहेगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जो प्राइसेस है वो 49,000 या 49,250 के ऊपर काफी ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे। ये बिल्कुल ही इंट्राडे मोमेंटम है, तो मुझे लगता है कि जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। रेट हाइक्स का जो भी कंफर्मेशन आएगा उसके बाद हम एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। आप जिगर त्रिवेदी जी, आप क्या मानते हैं, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में, आपको तेजी और आती दिख रही है यहाँ से 49,650 के ऊपर?
गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। सी इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बढ़ी हुई है लगातार बहुत दिनों से, जो 980 970 टन के आसपास जो था SPDR गोल्ड ETF का होल्डिंग, हमने 2 दिनों में देखा है कि उसमें शार्प रैली आई है, उसमें होल्डिंग्स में बढ़ोतरी हुई है। यस, एक मेजर जो रीजन है वो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है। एंड 1810 1812 15 के आसपास जो गोल्ड था इंटरनेशनल में, वो 1840 के आसपास आज पहुंच चुका है। हाँ, मुझे ये लग रहा है इंट्राडे में आज जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। एंड 48,600 फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंट्राडे ओनली 48,600 के आसपास खरीदना चाहिए। 48,500 का स्टॉप लॉस लेके 48,800 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशियल किया जा सकता है। ओनली थिंग इज कि ये इंट्राडे कॉल रहेगा क्योंकि जो फेड की मीटिंग स्टार्ट होगी वी ऑल नो द आउटकम, आउटकम विल बी स्टेटस क्वो बट द स्टेटमेंट्स विल बी इंपॉर्टेंट कि कितना जल्दी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा उस पर बात हो सकती है। सो आई थिंक इंट्राडे के लिए इट्स बेटर टू गो लॉन्ग। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। अब चांदी की बात कर लेते हैं धर्मशी जी। और अब आप चांदी में बताइए, 64,000 रुपये के ऊपर चांदी है। पिछले हफ्ते हमने अच्छी तेजी देखी, अच्छी रिकवरी के बाद अब 60-61 हज़ार से अब 64,000 के ऊपर आ चुका है, लेकिन अब तेजी थमती दिख रही है। अब आगे क्या लग रहा है, यहाँ से क्या करना चाहिए किसी को? जी, गोल्ड सिल्वर में अगर बिल्कुल ही हम देखें तो फिलहाल के लास्ट 2-3 सेशन में गोल्ड सिल्वर के सामने आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और प्राइसेस की भी अगर बात करें, अगर मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो जहां गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 70.5 से 76 की रेंज में था, वो अब 77.5 और 78 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। तो जब भी ये गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ता है, तब हमने देखा है कि गोल्ड बाय सिल्वर सेल की स्ट्रेटेजी काम करती है, और यही सेम रिएक्शन हमने प्राइसेस में भी आता हुआ देखा है। हमने देखा है कि सिल्वर की प्राइसेस जो 65,500 के लेवल तक गए थे, वहां से शार्प करेक्शन आया है, और कल के दिन में हमने 63,500 तक के करेक्शन आते हुए देखे थे। और सामने गोल्ड बिल्कुल ही काफी अच्छे से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको होल्ड कर रहा है। तो गोल्ड बाय सिल्वर सेल ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होल्ड कर रही है। दूसरी तरफ सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल एक दबाव इसीलिए भी महसूस कर रहा है बिकॉज जो रेट हाइक्स की बातें हैं, डॉलर इंडेक्स जो हायर लेवल्स पे है, उसकी वजह से भी प्राइसेस काफी ज्यादा लोअर लेवल्स पे हमको आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि सिल्वर में एक साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम आज के सेशन में भी आता हुआ दिखेगा। कल भी काफी गिरावट हम देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि सेलिंग में रहना चाहिए। बट यस, करंट लेवल्स पे सेलिंग नहीं, लेट द मार्केट कम अप अ लिटिल बिट। जैसे कि 64,300 या 250 के लेवल्स अगर आते हैं, तो वो एक लेवल से काफी अच्छे सेलिंग लेवल रहेंगे इंट्राडे के लिए। 64,650 का एक स्टिकली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि दोबारा से 63,500 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ओके, दोबारा से 65,000 के टारगेट आते हुए चांदी में दिख रहे हैं जिगर धर्मशी जी को। जिगर त्रिवेदी जी, अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है 65,000 चांदी इस हफ्ते चली जाएगी? शुमन सी, 2 दिनों से हमने एक लगातार सेलिंग प्रेशर देखा था सिल्वर में जो 65,500 के आसपास थी 3 दिन के पहले। हमने कल के सेशन में देखा 63,500 तक गया था मार्च सिल्वर। बेस मेटल्स में थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी थी कल के सेशन में, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी बहुत करेक्शन था। बट जो सेंटीमेंट जो है बेस मेटल्स जी प्रेशियस मेटल्स का, इट इज स्टिल फ्लैटिश टू पॉजिटिव। मुझे लग रहा है आज इंट्राडे में अगर प्राइसेस हमें 64,000 के आसपास मिले मार्च वायदा, वन शुड गो लॉन्ग 63,800 का स्टॉप लॉस लेके 64,400 के लिए यहाँ पे प्योरली फॉर इंट्राडे वन कैन गो लॉन्ग। कल के सेशन में हॉलीडेज रहेंगी एंड जो डे आफ्टर टुमारो सेशन होगा तो विल ओपन विद द इम्पैक्ट ऑफ 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 FOMC स्टेटमेंट्स। तो मुझे लग रहा है मार्केट शायद वोलेटाइल रह सकता है। सो जो भी स्ट्रेटजीज हो स्टॉप लॉस के साथ रहे और इंट्राडे के लिए रहे तो बेहतर रहेगा। ओके, तो ये भी हुए चांदी को लेकर। 64,400 का टारगेट इंट्राडे के लिए दे रहे हैं कि जी इंट्राडे का ही व्यू बना के चले, क्योंकि FOMC की कल बैठक के नतीजे भी आएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि बाजार किस तरफ करवट ले, तो इस वजह से आप इंट्राडे के हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करें। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर कल शाम के सत्र में 2% के आसपास की कमजोरी दिखी, लेकिन आज वापस से 0.5 से 1% तक की तेजी है। जिगर त्रिवेदी जी, अब आपको कच्चे तेल में क्या लग रहा है? कच्चे तेल की तेजी और बढ़ेगी या अब एक रेंज में फंस गया है? ब्रेंट 87 से 89 डॉलर के आसपास और 62 से 64 के रेंज में MCX पर ट्रेड कर रहा है, तो अब यहां से किस तरह मूव आपको आता हुआ दिख रहा है यहां से? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 फेब को ओपेक की जो मंथली मीटिंग होगी, बाजार की जो नजर होगी वो उस पर होगी। ऑफकोर्स उसके पहले फेड के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं,
अगर अगर इन्फ्लेशन को लेके कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं देन यूएस मे पुट सम प्रेशर ऑन ओपेक कंट्रीज टू रिलीज मोर क्रूड ऑयल प्राइस क्रूड ऑयल इन द मार्केट. सो मुझे लग रहा है येस 83-82 डॉलर्स के आसपास यहाँ पे WTI प्राइसेस शायद स्टेबल रहे, 87-88 डॉलर्स के आसपास ब्रेंड स्टेबल रहे इंट्राडे के लिए. लेकिन मुझे लग रहा है जो आज का जो ट्रेंड है इट्स ऑलरेडी अप बाय 26-27 पॉइंट्स. मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में खरीदारी करनी चाहिए 62-50 के आसपास. अगर प्राइसेस मिलते हैं थोड़े से डिप पे भी देन वन कैन गो लॉन्ग, 6200 का स्टॉप लॉस रहेगा. एंड फॉर इंट्राडे ऑफकोर्स 6300 टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग इनिशियल किया जा सकता है. ओके, 6300 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग करके जा सकते हैं 6200 के स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि ओपेक प्लस की जो अगले महीने की बैठक होगी फरवरी में, उस बैठक पर नजर रहेगी, क्योंकि अब आगे क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरह से उनका आउटपुट हाइक आगे होता है, ये एक यहां से मूव, उसके बाद एक डिसाइसिव मूव देखने को क्रूड में मिल सकता है। जिगर धर्मशी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब यहां से? जी, क्रूड की बात करें तो मेरा भी व्यू पॉजिटिव है कल के दिन में। बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हमने एक सारे एग्रेसिव जो काउंटर्स है उसमें सेलिंग आता हुआ देखा था। बट क्रूड की बात करें तो क्रूड में जो सप्लाई कंसर्न्स है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को निचले स्तरों पे काफी अच्छा सपोर्ट करेंगे। और हमने देखा था कि पिछले कुछ 8 हफ्तों के बाद इन्वेंटरीज में भी अब ड्रॉडाउन आता हुआ दिखा है। यूएस के जो कशिंग ओकलामा जो इन्वेंटरी हब है वहां पर भी इन्वेंटरीज काफी लोअर लेवल पे है। OECD कंट्रीज में इन्वेंटरीज लोअर लेवल पे है और सामने डिमांड कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई दिख रही है। प्लस मिडल ईस्ट में कंसर्न्स है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है क्रूड को कहीं ना कहीं जो निचले स्तरों पर काफी अच्छा सपोर्ट देंगे और प्राइसेस को दोबारा से हम एक रिवर्सल मूव अपसाइड की तरफ आता हुआ जरूर देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्रूड में जो मोमेंटम है वो बाइंग का रखना चाहिए। हालांकि जो बाइंग है वो थोड़ा निचले स्तरों पर मिलनी चाहिए, तकरीबन 6230 6220 तक के लेवल्स काफी अच्छे रहेंगे खरीदारी के लिए। 6190 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो 6310 का रहेगा। 6310 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाता है तो और फर्दर अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि इंट्राडे में आप खरीद कर जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर हालांकि आज तो दबाव दिख रहा है लेकिन जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच चिंता है, ऐसे में सप्लाई को लेकर यहां पर चिंता काफी बढ़ गई है। जिगर त्रिवेदी जी, अब आपको क्या लग रहा है नेचुरल गैस में, यहां से क्या तेजी वापस लौटेगी? एक तरफ तो सर्दियों की डिमांड है, हीटिंग डिमांड है, दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर चिंता है, ऐसे में नेचुरल गैस में आप क्या व्यू देंगे? करेक्ट करेक्ट, आपने जो दोनों फंडामेंटल बताए वो काफ़ी काफ़ी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई प्राइसेस 280 या 278 के नीचे जा नहीं रहे। अगर मैं फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, थोड़ी बहुत लेकिन बेरिशनेस है मार्केट में प्राइसेस को लेके। मुझे लग रहा है फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 285 के आसपास अगर मिले वन शुड गो शॉर्ट एंड 290 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे 275 के टारगेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। सो चार्टिकली स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। मुझे लग रहा है किसी भी अगर प्राइसेस 285 को अगर फेब्रुअरी क्रॉस करेगा देन वी माइट सी लोअर लेवल्स, सो इट्स बेटर टू शॉर्ट नेचुरल गैस। ओके, जिगर धर्मशी, आप नेचुरल गैस पे आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए अब यहां से? जी, मुझे भी लगता है कि नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो थोड़े दबाव में रहेंगे। नो डाउट फंडामेंटल फैक्टर्स जरूर रहते हैं इस समय की जो विंटर डिमांड रहती है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, रशिया की तरफ जो जो सप्लाई कंसर्न्स आ सकते हैं। बट जिस तरह से प्राइसेस में जो एज ऑफ नाउ जो रिएक्शन दिख रहा है वो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो मैं भी मानता हूँ कि फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में जब तक प्राइसेस और शॉर्ट टर्म के लिए 300 के नीचे सस्टेन हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बायस है वो साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। हालांकि जो डाउनसाइड है वो काफी लिमिटेड रहेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 270-265 यही एक लेवल से जहां तक डाउनसाइड रहेगी वहां पर काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ऊपरी स्तरों से विकवाली करके चलना चाहिए, बट जैसे ही 300 का लेवल पार होगा मुझे लगता है कि वो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है और उसके ऊपर एक अपसाइड का रिवर्सल दोबारा से शुरुआत हो सकती है। ओके, तो ये भी हो नेचुरल गैस को लेके। चलिए अब बेस मेटल्स की अगर बात कर लेते हैं, तो बेस मेटल्स में निकेल आज काफी कमजोरी है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह की तेजी आई थी उस तेजी के बाद अब यहाँ पर मुनाफा वसूली आ गई होगी। जिगर त्रिवेदी, आपको क्या लग रहा है निकेल में क्या करना चाहिए, आज तो 1.5% कमजोर है?
करेक्ट करेक्ट। सो कल भी इवन 5.5 to 6% के हमने यहाँ पे एक कटौती देखी थी प्राइसेस में, एक शार्प सेल ऑफ आया था। डे बिफोर येस्टरडे चाइना से एक कंपनी ने अपने सप्लाईज बढ़ाने की बात की थी, जिस तरीके से डिमांड है मार्केट में, सप्लाईज शिपमेंट्स डबल कर दिए है उस कंपनी ने। सो दैट्स वाई वी हैव सीन प्रेशर ऑन प्राइसेस, जो 1860-70, जो 1840-50 के आसपास के जो प्राइसेस थे MCX नेचुरल गैस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के, वो आज दिख रहे हैं हमें 1670-80 के आसपास। मुझे लग रहा है नेचुरल गैस 1.5% वैसे भी डाउन है, थोड़ी बहुत प्रेशर यहाँ बन सकती है। बट ऑन द कॉन्ट्री मुझे ये लग रहा है, अगर बेस मेटल्स में ट्रेड लेना हो तो कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम में ट्रेड लेना चाहिए, दे लुक क्वाइट बुलिश फॉर इंट्राडे। सो कॉपर फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट 749 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, 746 स्टॉप लॉस है एंड 754-755 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जिंक मुझे एक दूसरा एक डिसीजिव लग रहा है कि यहाँ पे भी लॉन्ग इनिशियल किया जा सकता है, जिंक के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है यहाँ पे। एंड फेब्रुआरी 295 के आसपास लॉन्ग कीजिए, 293 का स्टॉप लॉस एंड 298-299 के टारगेट के लिए यहाँ पे जिंक में भी बाइंग की रिकमेंडेशन है। ओके, तो कॉपर जिंक खरीदने की सलाह है और एल्युमिनियम ये पसंद इनको आ रहा है। जिगर, बेस मेटल्स में आपको कौन-कौन से ऐसे काउंटर्स है जो पसंद आ रहा है और क्यों खरीदना चाहिए ये भी बताइए। जी देखिए, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है, खास करके कॉपर और जिंक में। बट जिगर अगर धर्मसी खरीद जी, जी हाँ, मुझे लगता है कि मेरा जो बायस है बेस मेटल्स में, खास करके कॉपर और जिंक में, वो थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। और एल्यूमिनियम में खरीदारी की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम काफी अच्छा पिक लगता है मुझे, कि एल्यूमिनियम में थोड़ा एक जो बायस है वो साइडवेज टू पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। एल्यूमिनियम फंडामेंटली काफी अच्छा स्ट्रांग है, सप्लाई कंसेंस है, जिसकी वजह से प्राइजेस काफी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। तो जो खरीदारी करना है तो एल्यूमिनियम लेके चलना चाहिए। तकरीबन 241 के लेवल्स आते हैं तो वो काफी अच्छा खरीदारी का लेवल रहेगा। 240 के बिलो का स्टॉप रख के ऊपरी स्तरों पर 244-44.50 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बट कॉपर और जिंक की बात करें तो मुझे थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम दिख रहा है। हालांकि ये जो मूव है वो बिल्कुल ही इंट्राडे है, और ये रीजन ये है कि जैसे ही रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है और काफी ज्यादा तेजी से रेट हाइक्स बढ़ेंगे, सामने डॉलर इंडेक्स काफी हायर लेवल्स पर है, तो उनके सामने ज्यादातर जो कॉमोडिटीज है वो एक थोड़ा सेलिंग बायस के साथ चलती है। दूसरी तरफ हमने रिसेंटली देखा है कि जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है उसके वजह से भी प्राइसेस में थोड़ा प्रेशर है। तो मुझे कॉपर और जिंक में थोड़ा दबाव आता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो सेलिंग रहेगा वो करंट लेवल पर नहीं, ऊपरी स्तरों पर रहेगा। कॉपर में 752 के लेवल्स आते हैं फेब कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां सेलिंग करना चाहिए। 755.50 का स्टॉप रहेगा और 744 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। जिंक में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा और 293 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ये जो सारे व्यूज है वो बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए है, बिकॉज कल के दिन हमारे सेशंस बंद रहेंगे और उसके बाद थर्सडे को जो फेड का आउटकम रहेगा उसकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन दिख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी पोजिशन है वो बिल्कुल ही इंट्राडे और सिक्स स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करनी चाहिए। यानी दोनों ही जानकारों को लगता है कि कॉपर और जिंक खरीद कर जाना चाहिए और एक अच्छा काउंटर हो सकता है। हालांकि जिगर त्रिवेदी जी ने एल्युमिनियम भी खरीदने की सलाह है। एग्री मार्केट में अगर जीरे की बात करें तो जबरदस्त तेजी के फंडामेंटल्स है। जिगर त्रिवेदी, आपको क्या लग रहा है जीरे में यहां से? जीरे में मुझे विषय मौन लग रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ करेक्शन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का एक फेज आ सकता है यहाँ मार्केट में। मार्च वेदर 18,800 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट, 19,000 का स्टॉप लॉस लेके चले एंड 18,400-18,200 के टारगेट के लिए यहाँ पे जीरे में बिकॉली कर सकते हैं। ओके, तो जीरे में बिकवाली की सलाह दे रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स काफी मजबूत है लेकिन इंट्राडे के लिहाज से इनको लग रहा है कि आज बेचकर जाना चाहिए कि सेंटिमेंट कमजोर है। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार में हालांकि आज तेजी आधे परसेंट तक की। जिगर करेक्ट करेक्ट। फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 6250 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग इन गोवार सीड, 6150 स्टॉप लॉस यहाँ लेके चले एंड मुझे लग रहा है एक या दो दिनों में, थर्सडे को ऑफकोर्स, 6450-6500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो आई एम लिटिल बुलिश इन गुआर से। तो ग्वार खरीदने की सलाह है। 6,250 के लेवल पे खरीदे, 6,150 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6,450 का। जीरा मार्च के वायदे को आज इंट्राडे के लिए सेल करना है, 18,800 के लेवल पे आप सेल करें, स्टॉप लॉस लगा ले यहाँ पे 19,000 का, टारगेट है 18,400 का। चलिए अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं जहां पर वापस से कमजोरी दिखनी शुरू हो गई है। जिगर धर्मशी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है?
जी मुझे लगता है कि रुपये में जिस तरह से डेप्रिसिएशन की शुरुआत हुई है निचले स्तरों से, हमने देखा था कि 74 के बिलो गए थे प्राइजेस और अब तकरीबन 74-70 के करीब आ चुके हैं। मुझे लगता है कि डोमेस्टिकली हमने देखा है कि जो स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है उसकी वजह से भी रुपये में थोड़ी बहुत कमजोरी बढ़ी है, और मुझे लगता है सामने की ये कमजोरी थोड़ी और बढ़ सकती है बिकॉज सामने डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, अपने डोमेस्टिक मार्केट्स में सेल ऑफ है, तो ये जो अपसाइड है रुपए का जो डेप्रिसिएशन है तकरीबन 74.80-75 के लेवल तक जा सकता है और 74.50 के करीब का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि एक हायर रेंज में ट्रेड करता हुआ देखेगा तो यूएसडी एनआर एज अ पेयर में किसी को भी अगर ट्रेडिंग लेनी है तो साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम लेके चलना चाहिए। ओके जिगर त्रिवेदी, आप करेंसी मार्केट पर आपका व्यू किस तरह का है? करेक्ट करेक्ट, आई गो विद द सेम व्यू विश्वमोहन। मुझे लग रहा है 74 इनफैक्ट 75-20 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सी जिस तरीके की हमने जो फॉल देखा था 76.20 से लेके 73.80 का, तो उसके बाद उसका इवन इवन वी टॉक अबाउट द रिट्रेसमेंट, मुझे लग रहा है 75-20-30 के लेवल्स देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड देन फ्रॉम दैट एंगल ऑफ व्यू इफ यू सी क्रूड ऑयल भी यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे, एंड इक्विटीज मार्केट्स में हमने 2-3 दिनों से सेलिंग प्रेशर भी देखा हुआ है। सो लगातार 5 दिनों से सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है। सो मुझे लग रहा है यूएसडी एनआर अप्रिशिएट करना चाहिए एंड 74.60-60 या 50 के आसपास का अच्छा सा सपोर्ट है, एंड एज आई सेड 75-20-30 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स बेटर टू गो लॉन्ग इन यूएसडी एनआर। ओके 75-20-30 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया जिगर त्रिवेदी आपका, जिगर धर्मश्री आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और जितने भी कमोडिटीज ट्रेड होते हैं सब में अपनी राय रखी। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएमओ जंक्शन। नमस्कार।